आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे स्वाद और प्राकृतिक गुणों से भरपूर खजूर और मूंगफली की मिठाई। खजूर जिसमें है ढेरों पौष्टिक तत्व जो हमें कई बीमारियों से निजात दिलाते हैं, और मूंगफली जो कि दाम में हो चाहे सस्ती पर गुणों में बादाम से कम समझने की ना करना गलती, क्योंकि ये है सस्ता बादाम। हेलो फ्रेंड्स, कुकरी स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इन सामग्री का प्रयोग करते हुए बनाएंगे ऐसी मिठाई जो झटपट भी बन जाए और हो भी शुगर फ्री। जी हाँ, खजूर और मूंगफली की बर्फी। इसके लिए आपको चाहिए होंगे खजूर बिना बीज के, पर अगर आपके पास बीज वाले खजूर हैं तो आप भी मेरी तरह पहले खजूर में से सारे बीज निकाल लें। खजूर के फायदे जानना चाहेंगे हजूर? खून की कमी यानी कि अनीमिया के उपचार का तो ये रामबाण इलाज है। खजूर खाने से हमारा खून भी साफ होता है और इसमें मौजूद विटामिन सी और डी हमारी त्वचा को स्वस्थ रखते हैं और मेलानिन यानी कि पिगमेंटेशन भी नहीं होने देते। आपके पास होंगे अगर बिना बीज के खजूर तो आपका काम शुरू होगा अब। खसखस के लिए 3 बड़े चम्मच और इसे लो फ्लेम में भून लें। मुंह में छाले होने पर खसखस खाने से काफी फायदा होता है। जिनको नींद अच्छी तरह नहीं आती है वो भी अगर खसखस का सेवन करेंगे तो उन्हें नींद अच्छी आएगी। 2 से 3 मिनट भुनने के बाद खसखस को अलग निकाल कर रख ले। चलिए मूंगफली को भी इसी कढ़ाई में भुन लेते हैं। ये तो आप जानते हैं कि मूंगफली से तेल निकाला जाता है। कई लोग खाना बनाने के लिए मूंगफली का तेल का इस्तेमाल करते हैं, तो एक तरह से देखा जाए कैलोरीज और फैट की इतनी मात्रा पाए जाने के बावजूद मूंगफली खाने से हमारा वजन नहीं बढ़ता। मूंगफली में मौजूद फाइबर से हमें ज्यादा भूख नहीं लगती, इसलिए ये वेट मेंटेन करने में हेल्प करती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम पाई जाती है जिसके कारण ये डायबिटीज में भी फायदेमंद रहती है। बातों बातों में मूंगफली भी भुन गई, इसे भी निकाल कर अलग रख देते हैं। अब इसी कढ़ाई में हम डालेंगे खजूर। खजूर को भी हमने लो फ्लेम में ही कुक करना है। शुरू में तो खजूर थोड़ा हार्ड होगा, पर जैसे जैसे ये गर्म होता जाएगा ये सॉफ्ट होकर बिल्कुल गूंदे हुए आटे की तरह हो जाएगा। खजूर फाइबर युक्त होने से कब्जी दूर करता है और हमारे डाइजेशन में भी सुधार होता है। दो मुए बाल होने और बाल झड़ने का एक कारण विटामिन B5 की डेफिशिएंसी भी होती है। ऐसी समस्याओं के इलाज के लिए खजूर फायदेमंद रहेगा। खजूर परफेक्टली तैयार हो गया है जैसे हमें चाहिए था। अब तक जो हमने मूंगफली भून के रखी थी वो भी ठंडी हो गई होगी, तो चलिए मूंगफली के पहले छिलके निकाल लेते हैं। मूंगफली के छिलके निकालने के लिए आप ऐसे इसको दोनों हाथों के बीच में मसल दें तो दानों से छिलके अलग हो जाएंगे। कुछ दाने जिनमें छिलके रह गए हैं उनको मैं चुन चुन के मसल रही हूँ ताकि छिलके अलग हो जाएं। उसके बाद आप प्लेट को छटक लेंगे तो दाने और छिलके अलग हो जाएंगे। 2-3 बार इस प्रकार करने से मूंगफली और छिलके आप अलग कर सकेंगे। इस बर्फी को बनाने के लिए तो हम मूंगफली से छिलके अलग कर रहे हैं, पर मूंगफली में पाया जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट ज्यादातर उसके छिलकों में ही होता है। अब मूंगफली से लगभग छिलके हमने हटा लिए हैं। एक साफ कपड़ा लेकर उसमें मूंगफली के दाने डालकर चारों तरफ से हम अच्छी तरह उसे बंद कर देंगे। अब इन दानों को हमने थोड़ा
मोटा मोटा कूटना है। तो एक बेलन की मदद से इसे इस तरह कूट लें, बिल्कुल परफेक्ट। इसी तरह हमें मूंगफली के दाने चाहिए। खजूर को गरम करके जो हमने पेस्ट बना लिया था, आधा से थोड़ा कम इसमें मिला दें और आधे ही हम मिलाएंगे रोस्टेड खसखस। पिस्ता को हम बारीक काट लेंगे और उसमें से आधा इसमें मिला दें। पिस्ता बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना भी डालें। अब हम इसे अच्छी तरह मूंगफली में गूंथ लेंगे ताकि हर दाना खजूर में मिक्स हो जाए। ये बर्तन थोड़ा छोटा पड़ रहा है तो हम इसे कढ़ाई में कर लें तो बेहतर रहेगा। इसे तो हमने निकाल कर अलग रखना है और इसमें डाल देते हैं ये मिक्सचर। इन सबको अच्छी तरह गूंथ लें। गूंथते गूंथते ये ठंडा होता जा रहा है और थोड़ा सख्त भी होता जा रहा है। फ्रेंड्स, कुकरी स्पेशल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें प्लीज, और बेल नोटिफिकेशन भी जरूर दबाएं ताकि मेरे लेटेस्ट अपलोडेड वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। जब अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो इस क्वांटिटी में बन जाएंगे दो रोल। रोल बनाने के लिए मैं एक फॉइल पेपर यूज कर रही हूँ। अच्छी तरह इसको गोलाई का शेप देके एक साइड में रखते हैं। ये हमारा रोल तैयार हो गया। इसी तरह बनाएं दूसरा रोल। अब इस फॉइल पेपर पर थोड़ा सा घी लगा लें। ये मैं हाथ से थोड़ा घी लगा रही हूँ फॉइल पेपर पर। जो हमारे पास बचा हुआ खजूर का पेस्ट था उसमें से मैंने आधा लिया है क्योंकि हमारे पास दो रोल है। इसे फॉइल पेपर पर थोड़ा सा फैलाकर एक दूसरा फॉइल पेपर लिया है जिस पर मैंने घी लगाया है और घी वाला साइड खजूर के ऊपर रख दिया। अब इसे मैं थोड़ा सा पेल लूंगी। इसे इतना फैला लें कि ये आपके पूरे रोल को कवर कर दे। फिर एक तरफ से फॉइल पेपर उतार कर रोल पर खजूर की ये परत को चढ़ा दें। अच्छी तरह हर तरफ से कवर कर दें। किसी प्लेट या स्मूथ सरफेस पर रोल कर लें दोनों साइड से दबाते हुए, जिससे कि इसमें बिल्कुल स्मूथ फिनिश आ जाए। दोनों रोल इस तरह तैयार करने के बाद फॉइल में डालें थोड़ी सी खसखस और थोड़े से कटे हुए पिस्ता। अब जो हमने रोल तैयार किए थे उसको इस पे इस तरह एक बार घुमा लेंगे, यानी कि रोल कर देंगे, जिससे इसमें खसखस और पिस्ता की एक बाहरी परत बन जाएगी। इसी प्रकार हमने दूसरा रोल भी तैयार करना है। जब दोनों रोल इस तरह तैयार हो जाएं, तो इन दोनों को 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज में रखने का मकसद ये है वो जल्दी ठंडे हो जाएंगे, जिससे उसको काटने में आसानी होगी। ज्यादा देर रखेंगे तो बिल्कुल जम के हार्ड हो जाएगा, इसलिए 10 मिनट से ज्यादा ना रखें। और फिर आपको जितने मोटे टुकड़े चाहिए उस हिसाब से इन्हें गोल गोल काट लें। तो बाजार में बिकने वाली इतनी महंगी मिठाई आप आसानी से बना सकते हैं घर पर भी। और ये तो आप जान ही गए, मूंगफली भी काजू बादाम से कम नहीं है, गुणों में तो उनके टक्कर की है। और आप ये मिठाई बनाएंगे ना जरूर, जो है शुगर फ्री भी और हेल्दी भी। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आने पर थम्स अप का बटन जरूर दबाएं और वीडियो शेयर भी करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें। स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।